everyone, my name is Shruti Verma and welcome to All Sam Forensics. So friends, आज के इस वीडियो में हम कुछ पढ़ने नहीं वाले हैं, बेसिकली आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक GRF क्वालिफाइड कैंडिडेट से जो अभी आपका रिसेंटली नेट का पेपर हुआ था, उसमें आपका GRF क्वालिफाइड फोरेंसिक साइंस में एक कैंडिडेट है जिन्होंने बहुत ही अच्छे स्कोर के साथ में नेट को क्लियर किया है, GRF को क्लियर किया है और उनका नाम है मेघा यादव, जिन्होंने गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी से अपना मास्टर्स कंप्लीट किया है और मास्टर्स भी उनका फोरेंसिक साइंस में है। तो बेसिकली बहुत सारा कुछ आज हम इस वीडियो में समझेंगे, जानेंगे और उनकी क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी थी, क्या क्या सोर्सेज उन्होंने फॉलो करे, कौन सी बुक्स, कौन सी वेबसाइट्स और उसके अलावा पेपर वन, पेपर टू, इंस्ट्रूमेंटेशन, क्या क्या चीजें प्रॉपर उन्होंने किस तरह से पढ़ी थी, कितना टाइम उन्होंने पर डे के अकॉर्डिंग दिया था और अपने मास्टर्स के साथ साथ में GRF की प्रिपरेशन को कैसे मैनेज किया था। तो बहुत सारी चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और उससे पहले एक रिक्वेस्ट की इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि जितने भी स्टूडेंट्स नेट GRF क्लियर करने के लिए बहुत ज्यादा इच्छुक हैं, क्लियर करना चाहते हैं नेट GRF, तो उसके लिए ये वीडियो सभी तक पहुंच सके और सभी कैंडिडेट्स किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, क्या उनकी प्लानिंग होनी चाहिए, किस तरह से उनको प्रिपरेशन करनी चाहिए, ये सारी चीजों के बारे में उनको यहाँ से एक ओवरव्यू लग जाए एंड देन अपने अकॉर्डिंग वो अपनी खुद की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को बना पाए। ठीक है, सो अभी ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं और बात करते हैं जो नेट GRF क्वालिफाइड कैंडिडेट है मेघा यादव, हु इज ऑल्सो अ रिसर्च स्कॉलर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So firstly, I would like to welcome Megha Yadav, who recently cleared NET GRF, UGC NET GRF in the subject Forensic Science. So Megha, firstly, आप पहले तो ये बताइए कि आपका GRF clear हुआ है तो आपको कैसा लग रहा है इस time पर? Hello ma'am, well, पहले तो मुझे जब result आया तो थोड़ा believe नहीं हुआ, पर later मुझे थोड़ा realize हुआ कि yes, I have cleared GRF और उसके बाद तो मैं बहुत ही खुश थी। कभी-कभी तो मैं अपना चेक करने के लिए जस्ट टू क्रॉस चेक में 2-3 बार जो पीडीएफ जो रिजल्ट पीडीएफ थे उसको ओपन करके भी देखती थी कि हाँ मुझे क्लियर किया है कि नहीं, क्योंकि एक बहुत ही सरप्राइजिंग मोमेंट था मेरे लिए, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था बिल्कुल भी। तो ऐसे ही कुछ हुआ। आपकी ये जो अचीवमेंट है तो उसका क्रेडिट आप स्पेशली किसको देना चाहोगे? मैम क्रेडिट तो बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है, मेरे सारे टीचर्स, मेरे मेंटर्स, मेरे पेरेंट्स और फिर जो भी मेरे से एसोसिएटेड लोग हैं, फ्रेंड्स हैं या फिर उनके फ्रेंड्स हैं, क्योंकि मैंने सब लोगों से पूछा था, मेरे सीनियर्स भी काफी फ्रेंड हेल्पफुल रहे हैं, मेरी एक जस्ट सीनियर है जो कि काफी मेरी मेंटर भी है, तो उनसे भी काफी सारी चीजें मैंने पूछी, फिर जाके मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई, तो somehow सारे लोग नहीं हेल्प किया है, एक ही मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसमें, सभी लोग का इन्वॉल्वमेंट है, तो किसी एक पर्सन को क्रेडिट देना मुझे लगता है कि गलत होगा। ओके, सो अगर आपके बैकग्राउंड के बारे में पूछें कि जैसे आपका बैचलर्स था, मास्टर्स था, तो वो आपने किस किस सब्जेक्ट में किया था, तो वो चीज उसके बारे में थोड़ा बताएं। मैंने बैचलर्स गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी से किया है, फॉरेंसिक साइंस में किया था और मेरे जो 3 सब्जेक्ट थे, मेजर फॉरेंसिक साइंस था, जूलॉजी था एंड केमिस्ट्री था। तो फॉरेंसिक के सारे ही सब्जेक्ट कवर थे, तो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं। अच्छा, तो आपका जो स्पेशलाइजेशन है वो किस फील्ड में है? मैम स्पेशलाइजेशन जो है वो हमारे यूनिवर्सिटी में मास्टर्स में होता है, तो बैचलर्स में ऐसा स्पेशलाइजेशन नहीं था, पर जो मिनी प्रोजेक्ट होते हैं तो उनमें मेरा फॉरेंसिक बायोलॉजी पे ऑप्ट किया था मैंने। ओके, सो आपका जो मास्टर्स था वो भी फॉरेंसिक साइंस में ही था? यस मैम। ओके, तो आपने अभी रिसेंटली ही फॉरेंसिक साइंस को मास्टर्स जो है वो कंप्लीट किया हुआ है? यस मैम, मैंने मास्टर जो है 2019 टू 2021 मींस दिस बैच ही अभी क्लियर किया है। ओके, तो मतलब आपने मास्टर्स कंप्लीट होने के साथ-साथ आपका GRF भी क्लियर हुआ है? यस मैम, एंड मास्टर्स भी मेरा सेम यूनिवर्सिटी से ही हुआ है, गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी। ओके, ठीक है, सो आपने जैसे आपने प्रिपरेशन करी होगी जहाँ पर आपने, आपके कॉलेज भी रहता होगा तो थोड़ा बहुत आपको जाना भी रहता होगा, वहाँ का काम भी करना होता होगा, जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह रहते हैं, तो दोनों चीजें आपने कैसे मैनेज करा, मतलब आपने नेट की प्रिपरेशन भी करी और वहाँ का भी किया, तो सब्जेक्ट वैसे सेम है बट फिर भी थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो सारी चीजों को आपने कैसे मैनेज किया, कैसे आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी थी, तो ये सारी चीजों के बारे में बताइए।
मैम जो मास्टर्स में मेरे सब्जेक्ट का मैंने प्रिपरेशन शुरू किया था, पहले तो मैंने 2 बार नेट दिया. फर्स्ट जो है वो दिसंबर वाली साइकिल जो हुई थी उसमें दिया था, जो कि 2020 में, जो फर्स्ट जैसे कि 2019 में हुआ था, पर वो अकॉर्डिंग टू मी सितंबर के में हुआ था एग्जाम, तो उस पे मेरा नहीं हुआ था. वो भी मैंने मास्टर्स में ही दिया था, उसमें मेरा ना नेट क्लियर हुआ था ना ही JRF क्लियर हुआ था. उसमें मैं क्वालिफाई भी नहीं करी थी, जैसे कि मैं समथिंग 54% के आसपास मैंने स्कोर किया था. फिर मैंने खुद को देखा कि मुझे लगा कि मैंने कम प्रिपरेशन किया तो भी मैंने इतना स्कोर किया, तो मैं अगर इसको ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करूंगी तो हो सकता है कि मेरा एटलीस्ट नेट क्लियर हो जाए. क्योंकि जब आपको पास कोई भी अचीवमेंट नहीं होता है तो आप जो सबसे कम वाली अचीवमेंट है उसकी तरफ पहले जाते हो कि कम से कम ये हो जाए. तो फिर जब फर्स्ट टाइम नहीं हुआ तो फिर मैंने देखा कि इसमें क्या क्या सिलेबस है. मुझे लगा कि अब मुझे डीप में स्टडी करनी है, तो जो सिलेबस है नेट का वो सिमिलर है हमारे सब्जेक्ट से. तो मैंने जो भी टीचर्स हैं रेस्पेक्टेड टीचर्स उनके से पूछा कि उन्होंने कैसा प्रिपेयर किया था, अपने सीनियर से पूछा, और उन्होंने बताया कि आपको ज्यादा से ज्यादा सेल्फ स्टडी करनी होगी. तो मैंने सेल्फ स्टडी पे फोकस किया क्योंकि जो भी मेरे मार्क्स थे फर्स्ट टाइम फर्स्ट अटेम्प्ट के, तो उसमें मैंने पेपर वन में काफी काफी ज्यादा बहुत ज्यादा वर्ड्स बोल सकते हैं उतना स्कोर किया था. पेपर 2 का ठीक ठाक था पर पेपर 1 का बहुत कम मार्क्स थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि अब सभी बोल रहे हैं तो मैं ट्राई करती हूँ सेल्फ स्टडी करने का. फिर काफी सारा मतलब पहले तो मैंने टीचर से पूछा तो उन्होंने बोला कि ये सब्जेक्ट है आपको अच्छा स्कोर करने के लिए मिनिमम है कि आपको 60% आना चाहिए. तो मुझे लगा कि मैं 60% कहाँ से ग्रैब कर सकती हूँ, जैसे कि काफी सारे चीजें हैं, मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं है मेरा, तो जो भी रीजनिंग मैथ्स वाली चीजें होती हैं तो मुझे वो समझने में टाइम लगता है. तो मैंने सोचा कि मैं ऐसी चीजें पहले सेलेक्ट करूं जो कि अगर मैं अच्छे से पढ़ लूं तो वो फिक्स हो जाएंगे कि इसमें मार्क्स मेरे आएंगे ही. तो मैंने पहले उन सारी चीजों को देखा, उनके पहले नोट्स बनाए. नोट्स बनाने के लिए काफी सारे अलग अलग मैंने एप्स के थ्रू नोट्स बनाया, यूट्यूब वीडियोस के थ्रू बनाया, और एक दो जगह की कोचिंग क्लासेस भी ली थी. और सारा ये सब सारा मैंने ऑनलाइन किया है क्योंकि उस टाइम लॉकडाउन था तो मेरी कॉलेज की भी क्लासेस ऑनलाइन ही चल रही थी. तो ऑनलाइन मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ती थी और कॉलेज का भी कवर करती थी और नेट के लिए पढ़ती थी. और जो मेरा लास्ट सेमेस्टर में एक डिजर्टेशन वर्क होता है तो वो भी मैंने किया ऑनलाइन ही, क्योंकि लॉकडाउन था तो हमें रिसर्च वर्क नहीं करना था तो रिव्यू बेस्ड वर्क था, तो वो मैंने ऑनलाइन किया. तो आपसे अगर बात करें तो आप पर ऐसे बहुत सारा काम होता था आपके प्रिपरेशन के टाइम पर, तो उसमें आप पर डे अगर बात करें तो आप कितना टाइम दे रहे थे JRF के लिए स्पेशली? मैम ऐसा क्योंकि मैंने घर में उतनी प्रॉपर स्टडी नहीं हो पाती थी, तो जब लॉकडाउन थोड़ा रिलीज हुआ कि अब आप लोग जा सकते हैं कहीं भी, तो मैंने रीडिंग रूम ज्वाइन किया था. मेरे घर के पास नहीं था तो मैं वहाँ 6 आवर्स के लिए जाती थी. तो 6 आवर्स में मैं 4 आवर्स तो मैं कंटिन्यूअस पढ़ती थी, और 1-2 आवर्स जो कहीं ब्रेक लेना होता है तो वो बोलेंगे, तो 4 आवर्स में एक स्पेसिफिक एरिया में जाके रीडिंग रूम में जाके पढ़ती थी. फिर घर आके मैं उसी चीज को या फिर डिफरेंट सब्जेक्ट को वो मैं अपने सब्जेक्ट वाइज देखती थी, या फिर मैं मूड वाइज, की कई बार क्या होता है आप बोर हो जाते हो सेम चीज पढ़ते, तो मैं फिर दूसरी चीजें पढ़ती थी जिसको मुझे लगता था कि हाँ ये मुझे आता है, इस पे ज्यादा यूज नहीं करना होगा अपने माइंड को, जस्ट आप सिंपली पढ़ेंगे तो रिकॉल हो जाएगी वो सारी चीजें, जैसे कि जो चीजें आपकी स्ट्रांग होती जस्ट वो रिकॉल कर लीजिए. तो मैं वो 3 आवर्स पढ़ती थी, तो टोटल अगर आप देखें तो 7 आवर्स पर डे, और ये कभी कभी कम भी ज्यादा हो सकता है. मैंने एग्जैक्टली 7 आवर्स पर डे नहीं पढ़ा है. ओके, सो बेसिकली आपने बहुत फोकस्ड तरीके से इसकी प्रिपरेशन करी थी. सो अगर बात करें कि आपने प्रिपरेशन के टाइम पर कौन कौन सी बुक्स, कौन से नोट्स और कौन से वेबसाइट्स या सोर्सेज आपने बेसिकली यूज करे थे, तो उनके बारे में बताइए. जैसे कि आपने कॉलेज के कुछ नोट्स होंगे, वो कैसे क्या थे, ये सारी चीजें. हम जो पेपर 2 के नोट्स थे तो वो मैंने अलग, जो अपने मेरे BSc से MSc तक के नोट्स थे उन पे भी फोकस किया. तो वो सारे जो है वो अलग अलग ऑथर्स के थे, जैसे इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए मैंने सिंपली चट्टवालन आनंद के बुक से स्टार्ट किया, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटेशन जो है पार्ट है वो थोड़ा सभी का थोड़ा लेस, उतना कोई इंसान पढ़ नहीं पाता है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा साइंटिफिक टर्म्स होते हैं.
तो वो पूरा कॉइल करना, पहले बेसिक से शुरू करना फिर एडवांस में जाना, तो थोड़ा उसमें टाइम लगा मुझे. तो मैंने सिंपली जो अपने नोट्स थे जो मेरे टीचर्स ने पढ़ाए थे वो उससे स्टार्ट किया, फिर उसके बाद मैंने जो बुक्स है उन पे गई. तो उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत इंस्ट्रूमेंटेशन का विल्सन एंड वॉकर से भी पढ़ा है, जो कि बायोलॉजिकल केमिकल इंस्ट्रूमेंटेशन दोनों ही कवर करते हैं. ओके, तो ये जो इंस्ट्रूमेंटेशन वाली बुक्स थी ये आपके पास पीडीएफ फॉर्मेट में थी या फिर मतलब जो पेपर बैक होती है वो थी? मैम विल्सन एंड वॉकर की मेरे पास पेपर बैक है, और जो चट्टवाले एंड आनंद की, क्योंकि वो इजीली अवेलेबल नहीं होती है और लॉकडाउन का टाइम था तो वो पॉसिबल नहीं था कि मुझे मिल पाए, तो वो मैंने पीडीएफ से पढ़ा. ओके, सो इसके अलावा जो बाकी सब्जेक्ट्स रहते हैं जैसे फॉरेंसिक बायोलॉजी हो गया, बैलिस्टिक्स हो गया, एक्सप्लोसिव्स हो गया, तो ये सारे सब्जेक्ट्स जो रहते हैं वो आपने कैसे कवर किया? मैम इनमें से जैसे इंस्ट्रूमेंटेशन के भी और कुछ सब्जेक्ट का भी जो मैंने कोचिंग की ली थी उनके थ्रू भी कवर हुई, और जो मेरे पुराने नोट्स थे उनके. बैलिस्टिक्स का तो मैंने बीआर शर्मा से पढ़ा है, क्योंकि ये पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसमें डीप में उतना नहीं पूछा जाता, तो मैंने बीआर शर्मा को ऑप्ट किया कि उसमें से जो भी बेसिक चीजें हैं वो हो जाएंगी. और कुछ कुछ बैलिस्टिक का पोर्शन जो है वो नारायण रेड्डी की बुक है उनमें भी है, तो जो टॉक्सिकोलॉजी की बुक है, टॉक्सिकोलॉजी एंड मेडिकल ज्यूरिसप्रूडेंस, तो वहां से भी मैंने कवर किया, और कृष्णन विज की भी जो बुक है उससे भी कवर किया. ओके, और जो एक्सप्लोसिव्स वाला, मैम एक्सप्लोसिव का भी उन्हीं पे काफी सारा पोर्शन दिया हुआ है, और एक्सप्लोसिव का बेसिक्स जो है वो मैंने सीगल से पढ़ा है, फॉरेंसिक साइंस का बेसिक्स. ओके, सो बेसिकली आपने ये कुछ बुक्स आपने यूज करी थी. अगर ये बात करें कि कौन कौन सी वेबसाइट्स आपने फॉलो करी थी तो वो बताएं. मैम वेबसाइट्स एज सच मैंने ज्यादा फॉलो नहीं करी, क्योंकि मेरा जो भी क्वेश्चन मेन जो था कि मुझे क्वेश्चन ज्यादा लगाने हैं, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा पढ़ लोगे लेकिन जब क्वेश्चन आते हैं तो आप कंफ्यूज होते हो, तो मैंने क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा करी है टेक्स्ट बुक पढ़ने से. तो और जो मेरे कोचिंग्स हैं उनके थ्रू भी काफी सारे चीजें हुई, जैसे कि उन्होंने मुझे काफी सारे नोट्स प्रोवाइड भी किए थे और क्वेश्चन जो है उनका प्रॉपर टेस्ट भी होता था हमारा. ओके, सो क्वेश्चंस के लिए आपने क्या चीज फॉलो करी थी? हम क्वेश्चंस के लिए तो मैंने पेपर वन के क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो मैंने ग्रेडअप यूज किया था. ग्रेडअप में हर वीक एक नया 10 क्वेश्चन आते थे अलग अलग स्पेसिफिक यूनिट्स के, और ग्रेडअप का मैंने वो भी फ्री वर्जन था, मैंने कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लिया था. फिर अड्डा 247 का मैंने सब्सक्रिप्शन लिया था पेपर वन का, उससे मैंने सिर्फ वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही थे, उसमें कोई भी स्टडी मटेरियल नहीं था. और यूजीसी नेट की एक ऐप भी आती है वो दूसरे पर्सन की, जैसे कि प्राइवेट किसी पर्सन की है, वो एनटीए वाली नहीं, एनटीए वाली भी एक है, वो भी मैंने ट्राई किया था, पर मुझे यूजीसी वाला ज्यादा बेटर लगा जो कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की है, तो मैंने उससे किया था. वो उस पे सब्सक्रिप्शन लेना था, और अड्डा 247 का भी सब्सक्रिप्शन लेना था मुझे, वो क्वेश्चन ईयर बेस्ड था सारा. और ग्रेडअप की एक अच्छी बात यह थी कि मैंने फ्री ट्रायल वर्जन भी लिया था, फिर भी वो स्पेसिफिक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देते थे कि आपका ये क्वेश्चन क्यों रॉन्ग हुआ है, तो वो रिविजन भी हो जाता था, क्योंकि पेपर वन सबके लिए न्यू होता है तो मुझे उसका एक्सप्लेनेशन भी चाहिए होता था. पेपर टू का क्या है कि अगर आपको पास नोट्स है या आप थोड़ा सा अपना ब्रेन यूज करोगे तो आपको याद आ जाएगा कि ये चीजें हाँ ऐसा हो सकते हैं, या फिर आप तुरंत टेक्स्ट बुक्स पे जाके आप पढ़ सकते हैं क्योंकि इजिली अवेलेबल है. पेपर वन का क्या होता है कि आप पूरा एक न्यू सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, तो उस पे ज्यादा मुझे प्रॉब्लम हुई. ओके, सो अगर आप अपनी कोचिंग के बारे में बताएं, मतलब कोचिंग आपने कहाँ पे करी थी, कैसी थी, स्पेशली वो फोरेंसिक के लिए थी या वो सारी चीजें? यस मैम, मैं पेपर वन पेपर टू दोनों का बताती हूँ. पेपर वन के लिए मैंने यूट्यूब वीडियोस यूज की है, स्पेसिफिकली अलग अलग टॉपिक वाइज अलग अलग चैनल यूज किया. जो भी ट्यूटर है मैंने सारे ट्यूटर्स के वीडियो देखे हैं ऑलमोस्ट, जो मुझे अच्छे लगे फिर मैंने उनका वीडियो आगे फॉलो किया. और पेपर वन के लिए तो पहले तो मैंने क्योंकि मुझे इंडियन लॉजिक काफी ज्यादा डिफिकल्ट लगता था, तो मैंने उसके लिए पहले मैं ग्रेड अप से ही स्टार्ट हुआ था तोशिबा शुक्ला मैम, तो उनका भी चेक किया, तो मुझे वो उस टाइम अच्छा लगा, पर बाद में मुझे लगा कि ये बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, तो फिर सिर्फ इंडियन लॉजिक बेस्ड एक 2 आवर्स और 3 आवर्स का एक वीडियो है, वो मोहित शर्मा क्लासेस यूट्यूब चैनल का नेम है, वहां से मैंने उसको पढ़ा, वो पूरा ही इंडियन लॉजिक का यूनिट कवर हुआ उससे.
जो सारे टॉपिक्स थे वो उससे कवर हो गए, तो मैंने उसके निमोनिक्स बना लिया या शॉर्ट में बना लिया, तो एक पोस्टर जैसा बना लिया अपने लिए. उसके बाद उसको ही मैं रोज रीड करती थी, उससे मेरा क्या था कि बेसिक जो है जो 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं इंडियन लॉजिक के वो कवर हो जाएंगे. फिर मैंने अनअकैडमी के ट्यूटर हैं वो, उनका भी मैंने फ्री वीडियो देखा था, कुमार भरत, तो उनके से मैंने पेपर वन का जो टीचिंग पार्ट है और रिसर्च पार्ट है वो कवर किया. तो टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रिसर्च एप्टीट्यूड है, और जो फर्दर मैथ्स रीजनिंग वाले पोर्शन है, सॉरी जो भरत सर है उनसे मैंने इन्वायरमेंट वाले पोर्शन भी कवर किया, पेपर एंड इन्वायरमेंट वाला पोर्शन भी कवर किया. और फिर जो मैथ्स एंड रीजनिंग का है तो उसके लिए मैंने अड्डा 247 के दो अलग अलग ट्यूटर हैं. फर्स्ट जो है वो सौरभ सिंह है, वो रीजनिंग देखते हैं, तो रीजनिंग के सारे टॉपिक जो नंबर सीरीज से लेकर फिर जो ब्लड रिलेशन है, उसके बाद जो सिटिंग अरेंजमेंट है, ये सारी चीजें मैंने वहां से सीखी. उसके बाद जो मैथ्स का प्रॉब्लम है जो स्पेसिफिकली मुझे काफी ज्यादा टफ लगता था वो डीआई के प्रॉब्लम्स हैं, तो वो मैंने अड्डा 247 के एक ट्यूटर है शांतनु शुक्ला उनसे सीखा. ठीक है. तो ये और जो पूरा पेपर वन का था. हाँ, पेपर टू. पेपर टू का मैम, एक तो मैंने पहले बताया जो ऐप है जिसमें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहते हैं, यूजीसी नेट का ऐप, तो वो जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन वाला ऐप है, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी, आप डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं ताकि बाकी लोग को भी बेनिफिट हो. एंड सेकेंड जो है वो मैंने कोचिंग लिया था वो SIFS शर्लॉक इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस से, तो उन्होंने पूरा एक यूजीसी नेट का पूरा कोचिंग प्रोग्राम था अप टू 3, वो था 3 मंथ्स का, तो उन्होंने पहले से ही बता दिया था कि वो दिस टाइम जो नेट होने वाला 2021 में उसको टारगेट नहीं करें, वो नेक्स्ट नेट को टारगेट करके स्टार्ट किया था. पर मैंने फिर भी ज्वाइन किया था क्योंकि मुझे लगा कि ये मेरी प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा. मैंने वहां से सारी चीजें, मैंने सारे लेक्चर अटेंड किए, और वो वीकली 2 टेस्ट भी देते थे, और यूनिट एंड हो जाने पर एक यूनिट टेस्ट भी होता था, तो मैंने वहां से वो स्टार्ट किया. तो इंस्ट्रूमेंटेशन का पोर्शन जो है मैम वो मैंने डॉक्टर विन्नी शर्मा मैम से पढ़ा था, वो वहाँ की मतलब उन्होंने एक पर्टिकुलर लेक्चर लिया था इंस्ट्रूमेंटेशन पे बेस्ड. ये यूट्यूब पर है या कहाँ पे? तो मैम ये मेरे कोचिंग के थ्रू हुआ था. अच्छा अच्छा, ओके ओके. तो वो प्रोफेसर है गलगोटिया यूनिवर्सिटी में, तो मैंने वहाँ उनसे पढ़ा, वो काफी ज्यादा उन्होंने मेरी काफी ज्यादा डाउट्स क्लियर किए, जो बेसिक डाउट्स होते हैं क्योंकि सबको एडवांस तो थोड़ा बहुत समझ आ जाता है, पर जो बेसिक है जैसे कि रिजल्ट कैसे एनालिसिस करेंगे, जो ग्राफ कैसे आपको शो कर रहा है, तो ये सारी चीजें अगर आपको क्लियर हो जाती हैं तो एक किसी भी एक इंस्ट्रूमेंट की क्लियर हो जाएंगी तो बाकी इंस्ट्रूमेंट की भी क्लियर हो जाती है, तो वो मैंने वहां से पढ़ा और उन्होंने काफी ज्यादा गाइड किया उसके लिए, उससे रिलेटेड सारे मेरे डाउट्स क्लियर किए. ठीक है. अच्छा, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करे थे? यस. तो किस ईयर तक के आपने सॉल्व कर लिए थे? मैम एक्चुअली मैंने जो लास्ट 10 ईयर्स के हैं वही सॉल्व किया था, उससे आगे का नहीं किया था क्योंकि वो चेंज है, काफी ज्यादा चेंज है उनमें. हाँ. कि प्रॉब्लम्स सम्स भी डिफरेंट है, डीआई भी डिफरेंट है, रीजनिंग भी डिफरेंट है, क्योंकि रीजनिंग अभी दूसरे लेवल का आता है, पहले बहुत ही सिंपल लेवल का आता था, तो फिर वो जो है एक मुझे लगा कि उतना मेरे लिए स्पेसिफिक होगा नहीं कि मैं इसको यूज करूं, कि जो अभी नेक्स्ट रीसेंट वाला ट्रेंड है उसमें रीजनिंग जो है वो थोड़ी एडवांस होते जा रही है, उसमें जो बाइनरी और डिजिटल वाला फॉर्म है, डिजिटल वाला फॉर्म है, कोडिंग डिकोडिंग ये वाले सेक्शन ज्यादा आ रहे हैं, पहले ऐसे नहीं आते थे, तो मुझे लगा कि अभी जो रीसेंट वाले हैं उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए. और फिर जो PYQ से भी और रिलेटेड जो मॉक क्वेश्चन आते हैं सेम ऐप्स रिलेटेड, वो भी मैंने यूज किया, मुझे भी लगा कि ये ज्यादा बेनिफिशियल है, अगर मुझे कभी फ्री टाइम मिला तो मैं ये यूज करती थी. और मैंने आपकी वीडियोस भी काफी सारे देखे हैं जो भी रिलेटेड था फॉरेंसिक साइंस से, टॉक्सिकोलॉजी से, क्योंकि टॉक्सिकोलॉजी के पोर्शन जो है वो क्या बहुत सारे हैं, बहुत ज्यादा टेक्स्ट है, तो उसमें से क्या हाईलाइट करके पढ़ना है वो मुझे क्लियर नहीं हो पाता था, तो वो सारे चीजें मैंने आपके वीडियोस से देखी हैं. ओके. सो अगर जैसे कि MCQ की कोई बुक की बात करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का रहते हैं कि MCQ के लिए कोई बुक होनी चाहिए, तो ऐसी कोई बुक आपके हो इस बारे में पता है कि कौन सी बुक है जो अच्छी है? बेसिकली एक तो बहुत नॉर्मल है अनु सिंगला की, तो उसके अलावा कोई बुक जो आप सजेस्ट करना चाहो जो आपको पता हो? मैम मुझे
पूरी फॉरेंसिक साइंस की तो ऐसी कोई बुक पता नहीं है, पर जैसे कि टॉक्सिकोलॉजी एंड मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस की बुक है डॉक्टर सुमित सेठ की, तो उसमें भी कुछ क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं टॉपिक रिलेटेड, तो आप उससे भी फॉलो कर सकते हैं अगर मेडिको लीगल की बात करें तो, क्योंकि उस पे ही थोड़ा डाउट होता है. जैसे कि बहुत सारी पोस्टमार्टम चेंजेस की कंडीशन है, तो उसमें कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, इस पे अगर आपको एक एमसीक्यू मिल जाता है तो आपका जो सोचने का जो एरिया है वो नैरो डाउन हो जाता है कि आपको इन्हीं एरिया में थिंक करना है, क्योंकि पोस्टमार्टम चेंजेस में बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं. अब उस पे भी आपको एक स्मॉल एरिया मिल जा रहा है तो ईजी हो जाता है. तो मुझे लगा कि मुझे ये बुक पढ़नी चाहिए. फर्स्ट टाइम जो मैंने अटेम्प्ट किया था उस पर मैंने इसी से पढ़ा था. सेकेंड टाइम मुझे लगा कि यही सिर्फ ये बुक इनफ नहीं है, और भी देखते होंगे, इसलिए मैंने फिर काफी सारे एप्स के थ्रू पढ़ा. और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो होते हैं जो यूजीसी नेट की वेबसाइट पे होते हैं, जो पूरा एक पेपर का फॉर्मेट है, मैंने वो भी अटेम्प्ट किया था. ओके, सो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहते हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए आपने क्या पैटर्न फॉलो किया? मतलब सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ लिए, उसके आंसर्स देख लिए, या फिर उसको पूरा डिटेल में पढ़ा था, तो वो चीज बताएं. मैम, मैंने पूरा एक टेस्ट सॉल्व किया, उसके बाद मैंने सबके आंसर देखे थे. क्योंकि बीच में अगर आप आंसर चेक करोगे तो आप डिस्ट्रैक्ट होते हो, या तो आपके आंसर गलत होने लगते हैं. अगर आपके लाइन से चार आंसर गलत हो गए तो आप फिर नेगेटिव जोन में चले जाते हो कि ये गलत हो रहे हैं, पर अगर पॉजिटिव देंगे तो आप फिर ज्यादा ही कुछ अटेम्प्ट करने लग जाते हो, जो आप बियॉन्ड थिंकिंग अटेम्प्ट करते हो, जस्ट कि आपके सही हो रहे हैं तो आप ओवर पॉजिटिव होकर अटेम्प्ट करते हो. इसलिए मैंने पहले सारे अटेम्प्ट किए, उसके बाद मैं सबके आंसर देखती थी. ओके, सो आप सिर्फ आंसर ही देखते थे या फिर उसको बाद में प्रॉपर डिटेल उसकी स्टडी भी करते थे, वही जो क्वेश्चंस रहते थे? मैम, जो भी मेरे आंसर रॉन्ग होते थे तो उस पे मैं ज्यादा स्टडी करती थी, और जो मैंने जस्ट एक क्लू लिया था कि ये हो सकता है उसको मैं स्टडी करती हूँ, कि जो राइट है वो मुझे कॉन्फिडेंटली राइट लगता था तो वो मुझे पता है, जो रॉन्ग है उस पे वो रॉन्ग क्यों हुआ, तो मैं एक्सप्लेनेशन सिंपली जाके देखती थी, और वो बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं होता था, वन लाइन और टू लाइन का ही एक्सप्लेनेशन रहता था, तो उससे आपके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं. अगर फिर भी क्लियर नहीं हो रहे तो फिर आपको पता है कि आपने पूरा बैचलर्स में मास्टर्स में यही पढ़ा है, तो कौन से सेक्शन में ये पर्टिकुलर टेक्स्ट मिलेगा, तो आप वहां जाके पढ़ सकते हैं. तो इतना ज्यादा मुझे डाउट नहीं रहा. जो भी डाउट थे वो रिलेटेड थे कि मैंने ये क्यों रॉन्ग किया, मुझे पता था पर मैंने ये रॉन्ग किया, तो वो इसलिए रॉन्ग होता था क्योंकि मुझे कंफ्यूजन होता था, जो कि नेट में सबसे ज्यादा यही डिफिकल्ट होता है कि दो ऐसा आंसर होता है या ऑप्शंस होते हैं जो कि बहुत सिमिलर होते हैं. दो आप इजीली हटा सकते हो कि हाँ ये दोनों नहीं है, पर जो बीच दो बच जाते हैं उस पर ही बहुत कंफ्यूजन होता है, तो वो मोस्ट एप्रोप्रिएट चुनना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, उसी उन्हीं दोनों के बीच में ही होता है. तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे ज्यादा ज्यादा राइट आंसर को चूज करना है, क्योंकि पेपर वन में जो टीचिंग वाला पार्ट है उसका मोस्ट एप्रोप्रिएट कौन सी वाली चीज से रिलेट हो रहा है वो बहुत मुश्किल होता है. पेपर टू हो जाएगा, पेपर वन में ही मेन प्रॉब्लम आती है क्योंकि आपने नई चीज पढ़ी है. अच्छा, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि मैं पेपर टू पर ज्यादा फोकस करूं, पेपर वन पे उतना नहीं ध्यान देते हैं, या फिर अगर देते भी हैं तो फिर एग्जाम से एक दो महीना पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो इस तरह से अगर कोई प्रिपरेशन करता है अपनी, तो क्या उनका जीआरएफ क्लियर हो सकता है? नो मैम, जैसे कि रिक्वायरमेंट है कि 60% आपका दोनों ही सब्जेक्ट में होना चाहिए तभी क्लियर होगा. तो अगर आप 60% नहीं दोगे, सिंपली 50 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन 50 क्वेश्चन बहुत ज्यादा मायने रखते हैं आपके जीआरएफ में. तो अगर वो आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं जीआरएफ अगर आपका एम है, तो आपको पेपर वन पढ़ना ही होगा. और ऐसा नहीं है कि आप सारी चीजें को मगअप कर लेंगी तो हो जाएगा, आपको सारी चीजें समझ के पढ़नी होगी, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं तो टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो फर्स्ट जो टर्म आपने पढ़ा है वो उसी टर्म का सिनोनिम दे देंगे, तो सिनोनिम भी ऐसा रिलेट करके बताएंगे, बहुत ज्यादा एक सेंटेंस दे देंगे तो सेंटेंस को इंटरप्रेट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा. सिंपली दो वर्ड्स होंगे तो आप समझ लेंगे, मैच द फॉलोइंग होगा तो आप समझ लेंगे, लेकिन जब आपको पूरा एक स्टैंजा दिया जाएगा, फिर उसका बोला जाएगा कि इसके जो है पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या है. कई बार क्या करते हैं कि उन लोग टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चन को एक मिक्स कर देते हैं और फिर ऑप्शंस देते हैं. जैसे कि किसी ने बोला कि एक टीचर है वो डैश डैश रिसर्च कर रहा है अपने स्टूडेंट्स की, तो फिर आपको पहले रिसर्च को देखना होगा कि वो क्या रिसर्च कर रहा है, फिर आप ऑप्शंस पे देखेंगे, तो ये कंफ्यूजिंग फैक्टर्स होते हैं जो आपको
जब तक आपकी स्टडी प्रॉपर नहीं होगी, जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे नहीं होंगे, तब आपको ये क्वेश्चन नहीं बनेंगे. और जो बेसिक्स हैं वो 30, अगर 50 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन तो बहुत सारे लोग के भी सही हो जाते हैं, पर डिफरेंस कब आता है, जब आपको 60% तक क्वेश्चन सही करने होते हैं. तो उसके लिए आपको तो डाउट्स क्लियर होने चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तभी आपका JRF हो पाएगा. क्योंकि पेपर टू तो सभी पढ़ के जाते हैं, बट पेपर वन ही मेजर स्कोरिंग पोर्शन होता है, JRF क्लियर होगा या नहीं होगा ये चीज बेसिकली. मैम अगर आपका कोई भी पोर्शन है पेपर टू का, तो उस पे आप बहुत ज्यादा स्कोर कर रहे हैं, पर पेपर वन पे आपके मिनिमम 60 भी नहीं आ रहे हैं, तो फिर आपका सिर्फ नेट क्लियर हो पाएगा, JRF नहीं हो पाएगा. हाँ ये तो सही है. तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि पेपर वन आप 60% से ज्यादा के लिए एम करें, ताकि मिनिमम आपके 60% आ जाए. ओके सो अगर बात करें कि आपका जो एग्जाम डेट थी, तो उससे आपने कितना टाइम पहले अप्रोक्स अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट किया था? मैम मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी 2021 के मार्च से स्टार्ट करी थी, क्योंकि उसके जस्ट पहले ही रिजल्ट आया था, जो लास्ट जो नेट का एग्जाम था. और फिर ऑनलाइन एग्जाम चल रहे थे, पूरा कोर्स ऑनलाइन था, तो मुझे लगा कि मुझे स्टार्ट कर देना चाहिए. लास्ट टाइम मैंने बहुत कम टाइम के लिए स्टडी किया था, तो मेरे ठीक ठाक मार्क्स आए थे, तो मेरे को लगा कि हो सकता है कि मैं इस बार ज्यादा टाइम के लिए पढ़ूं तो अच्छे मार्क्स आ जाए, नेट क्लियर हो जाए. क्योंकि सभी एक फोर्स करते हैं कि आपका नेट क्लियर होना चाहिए, कहीं भी आपको जाना है तो एक आपके अंदर एक बर्डन होता है कि नेट क्लियर नहीं है. जो भी मास्टर्स का स्टूडेंट है उसके अंदर वो मास्टर्स एंड होने तक 4 सेमेस्टर तक याद आता है कि मेरे को नेट क्लियर करना है. तो वही सेम जो थिंकिंग है वो मेरी भी थी कि मुझे ये नेट क्लियर करना है. और उसके बाद अगर आपकी एक बार मास्टर्स खत्म हो गया, तो फिर से पूरा साल यूज करना सिर्फ नेट के एग्जाम के लिए, तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं कि अब आप सिर्फ पढ़ाई करनी है, पढ़ाई के साथ आपको घर भी थोड़ा बहुत टाइम देना होगा. आप स्टडी कर रहे हो तो आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा कि स्टडी करें, पर जब स्टडी एंड होगी तो आपको सब कुछ बोलेंगे कि कुछ काम भी करो और अपना भी जो स्टडी का पोर्शन है वो भी रखो साथ में. ओके सो आपका जो एग्जाम था वो किस मंथ में था? नेट का एग्जाम, नेट का एग्जाम 20th of November को हुआ था, 21. ओके सो मतलब आपके पास सफिशिएंट टाइम था प्रिपरेशन करने के लिए. प्रिपरेशन के लिए प्रॉपर टाइम था भी और नहीं था, क्योंकि अप्रैल में मुझे और मेरी पूरी फैमिली को कोविड हो गया था. तो मेरी प्रिपरेशन जो मार्च से स्टार्ट हुई थी, तो वो अप्रैल में स्टॉप हो गई थी. तो अप्रैल में जून मैंने बहुत ही कम पढ़ाई की, या नहीं की आप वैसा बोल सकते हैं. फिर मैंने फिर जुलाई से स्टार्ट किया था, क्योंकि बहुत ज्यादा बॉडी वीक हो जाती है, तो आपका जो फिटिंग का कैपेसिटी है वो बहुत कम हो जाता है. और अब पूरे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो कि मैंने ये पढ़ा था, सब मैं भूल चुकी थी. फिर मैंने फिर से स्टार्ट किया, जो नोट्स थे वो मैंने प्रिपेयर किए थे, तो मुझे इजीली हो गया. पर अगर उस टाइम नोट्स भी नहीं होते, तो फिर से मुझे पूरा वीडियो देख के समझना होता, तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता. तो जो नोट्स थे वो बहुत हेल्पफुल रहे मुझे. मैंने तो आपकी सारी वीडियोस के भी नोट्स बना के रखे थे. ओके तो जैसे कि आपकी जो प्रिपरेशन थी वो आपकी काफी अच्छी रही, आपने नेट JRF भी क्लियर कर लिया है एक तरह से कह सकते हैं कि आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, तो इसके बाद में आपने क्या करने को सोचा है? एक्चुअली अभी तो मैं यूनिवर्सिटी के रिसर्च एंट्रेंस एग्जाम दिए थे, मैंने GFSU का भी दिया था, उस टाइम वो GFSU था, और यहाँ मेरी यूनिवर्सिटी का भी दिया था. और तो दोनों में GFSU में मेरा वेटिंग लिस्ट पे था नाम, सेकेंड वेटिंग पे. और यहाँ की जो मेरी यूनिवर्सिटी है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, तो वहां पे मेरा नेम आ गया था. तो मुझे लगा कि पहले जो है यूनिवर्सिटी का, जो मेरी यूनिवर्सिटी वहां का रिजल्ट आया था, NFSU का बाद में आया था. तो मुझे लगा कि अगर मेरे पास टाइम है और अभी मैं फ्री ही हूँ और कोई स्टडी में एनरोल नहीं हूँ, तो मुझे ये ज्वाइन कर लेना चाहिए. तो फिर मैंने वहां ज्वाइन किया था. फिर NFSU का रिजल्ट आया, तो उसमें मेरी सेकेंड वेटिंग है, तो मैंने फिर यही कंटिन्यू किया. तो अभी मैं एज अ रिसर्च स्कॉलर अपने ही डिपार्टमेंट में. ओके सो अभी जो फैक्ट का एग्जाम हुआ था, तो उसके लिए आपने अप्लाई किया था? यस मैम, मैंने अप्लाई किया था केमिकल साइंसेस. ओके सो आपका पेपर कैसा हुआ? मैम पेपर तो अच्छा ही गया है, अब रिजल्ट का वेट है. सो लास्ट में आप स्टूडेंट्स को कुछ सजेशन देना चाहेंगे कि उनको क्या क्या करना चाहिए JRF क्लियर करने के लिए? मैम मेरा सिंपली ये सजेशन है कि आपको सारे नोट्स खुद से बनाने होंगे. कोई भी आपको कोई नोट्स देगा तो ये आपके लिए
सफिशियंट नहीं होगा जब तक आप उसको खुद से नोट्स नहीं बनाएंगे, खुद से एक एक लाइन टू लाइन नहीं लिखेंगे तो आपको चीजें क्लियर नहीं होंगी। अगर बहुत सारे लोगों के नोट्स आप लेते हैं तो भी वो आपके नोट्स नहीं है, आपको कौन सी चीज को हाईलाइट करना है ये आपको पता है, वो पर्टिकुलर पर्सन को अगर सारा चीज सही लगेगा तो वो जो मेन थिंकिंग है वो हटा के अपना नोट्स लिखेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि ये मेरी माइंड में पहले से है। पर आप न्यू है, आपका माइंड अलग है, इंडिविजुअल पर्सन है हम, जस्ट प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी फ्रॉम प्रोसेसिंग साइंस, तो आपको अपने नोट्स अलग अलग ही रखने होंगे, अलग अलग सारे सब्जेक्ट में बनाने होंगे। आप जो पॉइंट्स हाईलाइट कर रहे हैं हो सकता है वो सामने वाले पर्सन उसको लिखे ही ना, पर आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सारे नोट्स आपको खुद से बनाने होंगे, स्ट्रैटेजी आपको खुद से बनाने होंगे कि आपके लिए क्या फेवरेबल है। और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए जैसे हमारे जो ट्यूटर थे उन्होंने बोला कि आपको एक पर्टिकुलर चार्ट बनाना होगा इंस्ट्रूमेंटेशन का, उसका ब्लॉक डायग्राम बनाना होगा ताकि आपको वो चीजें याद रहे और रेगुलर आपको वो पढ़ना होगा। जैसे कि उस पर पर्टिकुलर जो आपका लाइट सोर्स क्या यूज हो रहा है, वहां से स्टार्ट करके डिटेक्टर क्या यूज हो रहा है, डिटेक्टर वो अगर फोटो डिटेक्टर यूज हो रहा है तो वो क्यों यूज हो रहा है, ये सारी चीजें और उसकी फॉरेंसिक एप्लीकेशन, एक एक इंस्ट्रूमेंट का आपको प्रॉपर एक चार्ट बनाना होगा ब्लॉक डायग्राम के साथ, उससे ही आपका इंस्ट्रूमेंटेशन का पोर्शन जो है वो क्लियर हो पाएगा। नहीं तो अगर आप सिर्फ टेक्स्ट पढ़ोगे तो वो डिफिकल्ट होता जाएगा, क्योंकि सारे टेक्स्ट याद करना बहुत मुश्किल होगा। लास्ट टाइम जब एग्जाम के आ जाएंगे, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा एडमिट कार्ड का, तो आपको लगेगा कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं। तो अगर ब्लॉक डायग्राम है, स्मार्ट नोट्स है, स्टिकी नोट्स यूज कर सकते हैं, उससे आपका जो भी पर्टिकुलर टॉपिक है वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। और मैम मैं आपको स्पेशली थैंक यू बोलना चाहूंगी, क्योंकि आपके सारे वीडियोस मैंने लास्ट 10 डेज में देखे हैं, पहले से देखे हुए थे, पर जो 10 डेज में मैं 1.7x पे देख दी सारे वीडियो, ताकि जल्दी सारे वीडियो मैं कवर कर लूं। मैंने पूरे टाइम वही देखे, जैसे कि मैं लंच कर रही हूँ, मैं फ्री हूँ, उस टाइम मैंने हाथ को यूज नहीं करना है लिखने के लिए, तो मैं खा रही हूँ, तो मैं आपकी वीडियोज ईयरफोन में लगा के मैं देखते रहती थी, ताकि मेरा वो पोर्शन भी कवर हो जाए अगर कोई छूट रहा है तो, क्योंकि लास्ट मोमेंट में लगता है कि ये सारे पोर्शन छूट ना जाए। और जो मेरा एग्जाम सेंटर था वो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे ही सिटी में था, बट जो अभी मेरा रिसेंट अटेम्प्ट है उसमें मेरे सिटी से दूर था, तो वो मुझे 3 आवर्स की ट्रेन जर्नी करनी थी, तो फिर मैंने सारे ट्रेन जर्नी में पूरा ही रिविजन किया है ताकि मेरा कोई भी पोर्शन ना छूटे। उस टाइम लगता था कि ये पोर्शन भी छूट सकता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, सारा इम्पोर्टेंट है, तो मैंने जो भी नोट्स बनाए थे सारे नोट्स मैंने एक एक करके सारे नोट्स पढ़े थे वो 3 घंटे में। ओके, सो थैंक यू सो मच मेघा फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम, एंड आपने बहुत कुछ बताया है स्टूडेंट्स को जो कि उनको बहुत ज्यादा हेल्प देगा, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, एंड थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू मैम फॉर गिविंग मी दिस ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी। मुझे लगा कि सारी चीजें स्टूडेंट को बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगी, स्पेशली क्योंकि मैं कोई बहुत ज्यादा जीनियस स्टूडेंट हूँ नहीं, सिंपली मैंने जो भी चीज अटेम्प्ट करी है वो हार्डवर्क से करी और प्रॉपर स्ट्रैटेजी करी, लेकिन मैं ये नहीं बोल सकती कि मेरी स्ट्रैटेजी ही सबको हेल्पफुल होगी, आपको खुद की अपनी स्ट्रैटेजी बनानी होगी। सो कई लोग मुझे बोलते हैं कि क्या क्या किया सब बता दो, तो वो मैं सब बता ही दूंगी, तो भी ये पॉसिबिलिटी नहीं है 100% कि आपका भी हो जाएगा, आपको खुद से भी अपनी स्ट्रैटेजी बनानी होगी, खुद से पढ़ना होगा। तो मैं सारे स्टूडेंट को यही कहना चाहूंगी कि आप सबसे रेफरेंस ले सकती हैं, सबसे गाइडेंस ले सकते हैं, बट आपको जब तक आपकी स्ट्रैटेजी नहीं बनेगी आपसे क्लियर नहीं होगा। तो ये जो है कोचिंग, कोई भी कोचिंग कुछ भी आपको समझा सकता है प्रॉपर, कोई भी टॉपिक हो वो आपको जरूर समझाएंगे, कोई भी टॉपिक हो आपका एक मतलब बहुत ही आपको लगे कि ये डाउट सही नहीं है फिर भी आप जाके पूछ रही हैं तो वो समझा देंगी। लेकिन जब आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनानी होगी क्या सब्जेक्ट आपको पहले पढ़ना है, कोचिंग सेंटर वाले अगर बोल दिए कि आपको ये सब्जेक्ट पहले पढ़ना है और आपको उस पर इंटरेस्ट नहीं है, तो आप अल्टीमेटली क्या करोगे कि आपका सब्जेक्ट से भी इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होने लगेगा। लेकिन आपको प्रॉपर सब्जेक्ट पे इंटरेस्ट बनाए रखना है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। मैंने जुलाई आप मार्च से स्टार्ट किया, बीच में छूट गया, फिर मैंने जुलाई से फिर स्टार्ट किया, तो ये लॉन्ग प्रोसेस में आपका इंटरेस्ट हट जाता है कहीं ना कहीं। तो उसके लिए आपको ये होना चाहिए कि आपने कोई डिफिकल्ट टॉपिक चूज किया, उसके बाद आप थोड़ा इजी टॉपिक आपके फेवरेबल जो आपको पसंद है वो टॉपिक भी पढ़ें, नहीं तो एक बर्डन रह जाएगा आपके माइंड में कि ये बर्डन है, अल्टीमेटली आप छोड़ देंगे कि नहीं करना मुझे ये। तो अपना इंटरेस्ट प्रॉपर बनाए रखने के लिए आपको आपकी स्ट्रैटेजी ही हेल्प करेगी, ना कि किसी और की।
हाँ, क्योंकि हर एक बच्चे का जो अपना पढ़ने का तरीका होता है, उनका जो माइंडसेट होता है, वो सभी का डिफरेंट होता है। तो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी तो हमेशा सबकी सुनने के बाद में अपने ही अकॉर्डिंग बनानी चाहिए। यस मैम, अब कोई पर्सन होगा वो डे पर्सन होगा, वो बोलेगा कि आप सुबह से उठ के पढ़ो, कोई पर्सन है वो नाइट पर्सन है, वो रात में पढ़ेगा 1 बजे तक 2 बजे तक। तो अब किसी की डे वाली हैबिट को, अगर कोई पर्सन है वो नाइट पर्सन है वो डे वाली हैबिट को करेगा तो वो नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि उसका माइंड जो है वो कॉन्शियस अच्छे से कंसंट्रेट करके पढ़ना होगा, तो उसको वो नाइट वाला ही शिफ्ट लेना होगा, ना कि वो डे वाला। डे वाले में मुझे लगेगा कि उसको और टाइम नींद आएगी, या फिर वो अगर नाइट पर्सन नहीं है उसको बोला जाएगा कि आप नाइट में पढ़ो तो वो सेम फिनोमिना होगा। तो इसलिए अपने अकॉर्डिंग पढ़ना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, सो थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड थैंक्स। थैंक यू मैम, हैव अ गुड डे। और आप सारे लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर कर रही है, मेरे भी सारे सीनियर जूनियर आपकी वीडियोस प्रॉपर देखते हैं, इनफैक्ट के लिए स्पेशली आपके सारे वीडियोस हमने देखे हैं। और जो भी जो मेन डाउट था वो आपने, मतलब मुझे लगा कि ये सारे का ऑप्शन ये राइट क्यों है, तो उतना टाइम तो नहीं होता है कि हर एक प्रॉपर पर्सन को आप आंसर कर सके कमेंट में, पर मैंने अपना क्वेश्चन जो है वो अपने से ही सर्च करके आंसर किया, क्योंकि आपको अगर पर्टिकुलर टाइम दिया गया है तो आपके पास बहुत सारे वर्क हैं, हो सकता है आप बाद में रिप्लाई करें, पर उस टाइम जो एक स्टूडेंट के अंदर क्यूरियोसिटी होती है कि मुझे इसका आंसर तुरंत चाहिए, पर वो इतने इजीली ने आपने समझा दिया था, आप क्योंकि हर क्वेश्चन का राइट रॉन्ग बताने के बाद आप उसको एक्सप्लेन भी करती थी, तो वो मेरे अंदर सही था कि ये क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मुझे लगा कि हाँ ये सही है, ये गलती मैंने की थी इसलिए मैं आपने क्लियर किया। तो आपको बहुत 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 ज्यादा थैंक, थैंक यू। आप बहुत बड़ा चेंज लेके आ रही फॉरेंसिक कम्युनिटी के लिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट इतनी सारी मतलब तारीफ करने के लिए। आना मैम थैंक यू। आपको वर्क कर रही है, और आपको पता है कि जितने सारे लोग आपके साथ टेलीग्राम ग्रुप में है, मैं भी हूँ एक्चुअली, उससे भी ज्यादा आपके वीडियोस देखे जाते हैं। और ऐसा नहीं कि हम एक पर्सन देख लेता है, हम वीडियोस प्रॉपर शेयर करते हैं कि ये मैम ने बताया था, तो अगर किसी को डाउट है फिर भी डाउट रह जाता है तो वो एक दूसरे से शेयर करके क्लियर करते हैं। ऐसे तो आप सारे डाउट क्लियर कर देती हैं, पर फिर भी किसी एक पर्सन को डाउट रह जाते हैं तो हम लोग आपस में क्लियर कर लेते हैं। पर जो पर्सन नहीं करता है मैं उनको बोलूंगी कि आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैम जरूर रिप्लाई करेंगे। ओके चलिए ठीक है। ओके थैंक यू। मैम हैव अ गुड डे मैम।